वज़ीर-ए-आज़म ने कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल रावलपिंडी का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान कहते हैं कि कोरोना किस रफ्तार से बढ़ेगा एक हफ्ते में पता चल जाएगा। हेल्थ वर्कर्स की हिफाजत पहली तरजीह है। वायरस के खिलाफ लड़ने वाले मसीहाओं की सपोर्ट करेंगे। जैसे जैसे ये जिहाद बढ़ती रहेगी, क्योंकि इसलिए बढ़ना है, किस रेट पे बढ़ना है अभी हमें नहीं पता। इंशाल्लाह एक हफ्ते तक हमें वो भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हमारा डेटा आ रहा है सारी जगह से, उसको प्रोसेस कर रहे हैं। हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं होंगी, वो इक्विपमेंट नहीं होगी अपने हेल्थ वर्कर्स के लिए, तो हमने पूरी कोशिश तब से की। बदकिस्मती ये थी कि सारी दुनिया के अंदर ही एकदम डिमांड हो गई इक्विपमेंट की, प्रोटेक्टिव जो कपड़े पहने होते हैं हेल्थ वर्कर्स, तो सारी दुनिया में और खासतौर पर वेंटिलेटर्स के ऊपर तो सारी दुनिया में डिमांड हो गई, और फिर बड़ा मुश्किल हो गया कि हम अपनी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करें। लेकिन हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि चाइना ने हमें पूरा प्रेफरेंस दी इस चीज में। जो भी होगा, मैं सिर्फ आपको ये श्योरिटी देना चाहता हूँ कि ये कॉम गवर्नमेंट सब आपके पीछे खड़ी है, और इनशाला आपकी प्रोटेक्शन हमारी नंबर वन प्रायोरिटी होगी। तो अपनी कॉम की तरफ से कहना चाहता हूँ कि इनशाला हम पूरी तरह आपके पीछे खड़े होंगे, सपोर्ट करेंगे हर किस्म की। अभी भी हम सोच रहे हैं कि हम कैसे आपके लिए, अपने डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए और जो स्टाफ काम करता है, कैसे उनकी मजीद और मदद कर सकें, इंसेंटिव्स उनको कैसे दे सकें।